सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। हमारी अफवाज हर खतरे और साजिश से निमटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान है तो हम हैं, पाक फौज दहशत गर्दों से लड़ सकती है, इस लड़ाई में कौम का तआवुन जरूरी है। मैं इम्पोर्टेड नहीं, मकामी वजीर आजम था, वो नाकामी वजीर आजम था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती, पांच जज मिलकर ना निकालते तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। लीग कायद का ननकाना साहब में जलसायाम से खिताब, मरियम नवाज ने कहा हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है, 8 फरवरी को शेर पर इतने ठप्पे लगाना कि किसी बेसाखी की जरूरत ना रहे। जब शेर आता है तो आवाम का खून चूसता है, वो चाहते हैं उन्हें किसी ना किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। चौथी बार इलेक्शन लड़ने वाले अपना मंशूर तक नहीं बता सके। बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी मुखालिफीन पर तनकीदी तीर, भलवाल में जलसायाम से खिताब में कहा 3 बार वजीर आजम बनने वाले इलाज के लिए बाहर जाते हैं, आप किस्मत बदलने के लिए तीर पर ठप्पा लगाए। 14 परवेज इलाही ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। लाहौर हाईकोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कालादम करार देने की इस्तदा। कौशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाप्त, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वकील शुएब शाहीन कहते हैं ट्रायल कोर्ट ने तय करना है, ट्रायल कहाँ होगा। रूस के सरहदी शहर में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह, तैयारे में हमले के 6 अरकान और 65 जंगी कैदी सवार थे। रूसी रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि तैयारे को मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया, वाकई की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे का मकसद बेयकीनी, अफरा तफरी और मायूसी फैलाना है। हमारी अफवाज हर खतरे और साजिश से निमटने के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान नेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा पाकिस्तान है तो हम हैं, पाक फौज दहशत गर्दों से लड़ सकती है, इस लड़ाई में कौम का तआवुन जरूरी है। मैं इम्पोर्टेड नहीं, मकामी वजीर आजम था, वो नाकामी वजीर आजम था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ना होती, 5 जज मिलकर ना निकालते तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। लीग कायद का ननकाना साहब में जलसायाम से खिताब, मरियम नवाज ने कहा हम 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं। नवाज शरीफ अवाम का लाडला है, 8 फरवरी को शेर पर इतने ठप्पे लगाना कि किसी बेसाखी की जरूरत ना रहे। जब शेर आता है तो आवाम का खून चूसता है, वो चाहते हैं उन्हें किसी ना किसी तरह चौथी बार कुर्सी मिल जाए। चौथी बार इलेक्शन लड़ने वाले अपना मंशूर तक नहीं बता सके। बिलावल भुट्टो जरदारी के सियासी मुखालिफीन पर तनकीदी तीर, भलवाल में जलसायाम से खिताब में कहा 3 बार वजीर आजम बनने वाले इलाज के लिए बाहर जाते हैं, आप किस्मत बदलने के लिए तीर पर ठप्पा लगाए। 14 परवेज इलाही ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया, कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील दायर। लाहौर हाईकोर्ट का 13 जनवरी का फैसला कालादम करार देने की इस्तदा। कौशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जेल ट्रायल के खिलाफ बानी पीटीआई की दरखास्त पर समाप्त, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। वकील शुएब शाहीन कहते हैं ट्रायल कोर्ट ने तय करना है, ट्रायल कहाँ होगा। रूस के सरहदी शहर में मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा गिरकर तबाह, तैयारे में हमले के 6 अरकान और 65 जंगी कैदी सवार थे। रूसी रुकने पार्लियामेंट का कहना है कि तैयारे को मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया, वाकई की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील। और भारतीय अदाकार और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर आमद, 35 रुकनी वफ्द के हमरा बाबा गुरु नानक के दरबार पर हाजिरी दी। भारतीय अदाकार और सियासतदान नवजोत सिंह सिद्धू की करतारपुर आमद, 35 रुकनी वफ्द के हमरा बाबा गुरु नानक के दरबार पर हाजिरी दी।